अपने इस पौधे में डाल के इसकी गुड़ाई करके और हल्का हल्का पानी लगाते रहिए। तुलसी का पत्ता, इसके फॉलिएज, इसके सारी चीज़ें एकदम शानदार चलेगा। तो गाइज, बहुत टाइम से ये डिमांड आ रही थी कि तुलसी के पौधे के बारे में, केयर के बारे में हम बात करें और डिटेल में कुछ नया लेके आएं। तो आज हम बहुत ही यूनिक चीज़ लेके आए हैं अपने इस वीडियो में। कुछ तीन चीज़ें हैं जो कि आप अपने अगर प्लांट्स में यूज़ करते हैं तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आज मेरे साथ होने वाले हैं प्रवीण मिश्रा जी, जो बताएंगे कि तुलसी के प्लांट्स की केयर कैसे करते हैं किसी भी मौसम में है। तो ये इन चीज़ों का अगर आप यूज़ करते हैं तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन आता है। तो इसी के बारे में आज का वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सम्मानित नागरिकों नमस्कार, आज मैं आपको स्पेशल बताऊँगा कि जो इम्यूनिटी बूस्टर हमारी तुलसी है, हर घर के आंगन की शोभा है। यदि तुलसी की भी इम्यूनिटी को ठीक ठाक रखना हो और वर्ष भर चलाना हो और किसी भी मौसम में यह सदाबहार इस तरह का बने, तो इसके लिए ज़रूरी है कुछ छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना। इन्हीं सारी बातों को लेकर आज मैं दिल्ली रूट्स चैनल पर उपस्थित हुआ हूं आपके समक्ष आपका आशीर्वाद लेने के लिए। जब कभी दूर देश से हमारे पास संदेश आता है कि हमारे तुलसी नहीं चल रहे, इवन ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, नीदरलैंड में, तो उस समय भी हमें ये फील होता है कि लोग तुलसी की कितनी ज़्यादा मान्यता रखते हैं और भारत के बाहर भी वो सारे लोग चाहते हैं कि उनके आंगन में तुलसी लगी रहे। तो इसी सोच को लेकर हम आज उपस्थित होते हैं कि कैसे बचाएं। सबसे पहले तो तुलसी को बचाने का तरीका है कि आप जब मिट्टी बनाते हैं उस समय में ही सारी तरकीब को करें। तो हमारी पहले तुलसी को चलाने के लिए जो वीडियो है वो आई बटन में आपको मिल जाएगा। तुलसी के पौधे को कैसे लगाना है वो आप देख सकते हैं। साथ ही दूसरी टिप ये दे रहा हूँ आज आपको कि ये जो आप देख रहे हैं तुलसी में जो भी इस तरह के सीड्स तैयार हो रहे हैं उनको आप कट कर दीजिए। ये कट करने का जो परसेंटेज होता है ये रोज़ 10% के हिसाब से कट कीजिए। एक ही साथ पूरी तुलसी के इस पौधे में लगे हुए बीज को एकदम से कट ना करें। जनरली क्या होता है कि हम ठंड से पहले इस बीज को काटते हैं या हर मौसम में काटना है? देखिए, तुलसी को सबसे ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत लगती है ठंड में, लेकिन यहाँ चूंकि दिल्ली रूट्स की इतनी बड़ी मान्यता हुई है कि ये विदेशों से भी लोग फ़ोन कॉल कर रहे हैं, तो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से एक फ़ोन आया था, वहाँ अभी विंटर सीजन था, तो ऐसे ही जापान में भी विंटर सीजन था बीच में। तो हम ये सोचे कि भारत में जब गर्मी है तो कहीं ना कहीं दूर देश में वहाँ पर ठंड का भी माहौल है, तो क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिससे इसकी सारी समस्या समाप्त हो जाए। तो सबसे पहली जो टिप है वो यही है कि इसको कट करते रहें और 10% को कट करते हुए लगभग इसे 10 से 12 दिन का समय दें और लास्ट में भी थोड़ा सा ये रख दें जिससे कि इसे ऐसा फील ना हो कि हमारे सारे ये छोटे छोटे जो पौध है उसमें से ये सारे बीज निकाल लिए गए हैं। तो किसी भी क्लाइमेट में हम ये कट कर सकते हैं? किसी भी क्लाइमेट में आप कट कीजिए। और कट करने का यही तरीका होगा कि आप जब कट करेंगे और ये सारी चीज़ें जब आपके पास होगी तो इनको भी आप अपने इम्यूनिटी बूस्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसकी चाय बना सकते हैं और इसको बहुत ही अच्छे शानदार ढंग से रख भी सकते हैं। कट करने का मेन रीज़न क्या होता है? देखिए, कट करने का रीज़न ये होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट है ये पौधा जो है अपनी पूरी ताकत और एनर्जी यहाँ पर स्टोर करना शुरू कर देती है, क्योंकि छोटी छोटी जैसे बच्चे हैं, माताएं चाहती है कि हमारे बच्चे अच्छे से पले बढ़े, तो अपनी पूरी संपूर्ण खुराक वो देने शुरू कर देती है। तो जब यहाँ पर संपूर्ण खुराक आ जाएगा तो इसके पत्ते फिर छोटे होने लगेंगे और इस तरह से जो आप देख रहे हैं ये इस तरह से नहीं मिलेगा। आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये सारा इधर से कट किया हुआ है, यहाँ से लगभग हमने 70% तक इसे कट करके बचाया हुआ है और इधर से फिर ये थोड़ा सा रखा भी हुआ है और इसे हर 10 दिन बाद कट करने की हमारी जो तरकीब है वो शुरू हो जाती है और फिर यहाँ से नए सीड्स तैयार हो जाते हैं, ये निकलने लगते हैं क्योंकि इनको हम रोक नहीं सकते हैं। आगे के लिए और बताऊंगा, जब आपने ये कट कर दिया इसके बाद क्या ज़रूरत होती है उस पर फोकस करते हैं जी। देखिए, तुलसी के इस केयर के बाद जब आप ये सारा कट कर देते हैं, इसके बाद आपके लिए ज़रूरी है कि आप हल्दी लीजिए और चूना लीजिए और ये है कोयले की राख, कच्चे कोयले की राख है ये, और इसको आप कच्चा कोयला जैसे ब्लैक फॉर्मेट में है या अधपका कोयला है उसको ले सकते हैं, लकड़ी का कोयला है उसे भी ले सकते हैं। इसको आप अच्छे से बारीक कर लीजिए और बारीक करके बारी बारी से डालिए, एक साथ ये तीनों को नहीं मिक्स कीजिए। यदि आप पहले हल्दी डाल रहे हैं तो हल्दी डाल दीजिए, उसके बाद एक दिन डालने का जो तरीका है वो कैसा होगा?
देखिए प्लांट के अकॉर्डिंग है, यदि 12 इंच का गमला है तो आप 5 ग्राम हल्दी ले सकते हैं। अच्छा। 5 ग्राम ये आपका लकड़ी का कोयला जो है उसका बारीक बुरादा ले सकते हैं, ठीक है। और 5 ग्राम तक आप चूना ले सकते हैं, ठीक है। इनको आप एक दिन के अंतराल में अपने इस पौधे में डाल के इसकी गुड़ाई करके और हल्का हल्का पानी लगाते रहिए। तुलसी का पत्ता, इसके फॉलिएज, इसके सारी चीज़ें एकदम शानदार चलेगा और किसी भी क्लाइमेट में आप रखेंगे तो आपको घर में ये आनंद देगा और ये मुस्कुराएगा भी। कई लोगों का ये सवाल होता है क्या इसके हल्दी को ऊपर से छिड़क भी सकते हैं, क्या ऐसा कुछ होता है क्या? अभी मॉइस्चर चूँकि है, नमी है, तो आप छिड़क सकते हैं, लेकिन जब आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इस पर स्प्रिंकल करेंगे तो इसका रिजल्ट थोड़ा क्विक आएगा। जी, या फिर आप जब ज़मीन में डालेंगे, ज़मीन में मॉइस्चर आपने रखा हुआ है, लगभग 20% मॉइस्चर आपका ज़मीन में हो तो उस समय भी डालेंगे तो सेंसेशन के वजह से जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा। एक और फ़ायदा है हल्दी डालने से कि इस पर, तुलसी पे आप देखते हैं अमूमन कि ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे कीड़े लगते रहते हैं। लोग पूछते हैं कि भाई ये कीड़ा हमारा लग रहा है, तो कीड़ा लगने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आपने उसका समय रहते प्रिवेंशन नहीं किया है। यदि आप हर हफ्ते थोड़ा बहुत इस पर प्रिवेंशन करेंगे, आप हल्दी डालेंगे, तो आपका ये पौधा बहुत ही शानदार बचा रहेगा और आपके कीड़े उस तक नहीं पहुंचेंगे। जो ये थर्ड चीज़ है, ये जो आपने बताया, जी ये क्या था? ये चूना है, चूना है, हाँ, ये खाने वाला चूना है और ये लकड़ी का कोयला है। ऐसे ही आप कच्चा कोयला भी ले सकते हैं। चूना का जो मिक्स करना है वो कैसे करना है? चूना भी आप ज़मीन में डाल सकते हैं या आपको पानी में मिलाना है तो इसको फॉलियर स्प्रे कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 5 ग्राम तक ये मैक्सिमम डाल सकते हैं, डाल के आप अपना अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। एहतियात सिर्फ इतना ही बरतना है कि तीनों को एक ही साथ एप्लीकेशन नहीं करना है, एक या दो दिन का इंटरवल डालना है। और कितने दिनों में लगातार हमें इसका यूज़ करना है? 15 से 21 दिन के बाद आप रिपीट कर सकते हैं। हाँ। और रिपीट करने के बाद आप देखेंगे कि रिजल्ट आया है। और एक तरकीब दे रहा हूँ कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन करें, हाँ, तो आप अपने डायरी में उसे नोट कर लें कि हमने इस प्लांट में ये एप्लीकेशन किया है, या यहाँ कहीं कोई टैग आप लगा दीजिए कि इस प्लांट में हमने ये एप्लीकेशन इस डेट को किया है, ठीक है। तो उससे रिजल्ट का आपको पता चलेगा और साथ ही ये भी पता चलेगा कि हमारी जो तरकीब है वो कितनी कारगर है। और जो आप ये सारी चीज़ें दलित ड्यूट्स पर देख रहे हैं वो आप अपने पड़ोसी तक शेयर कर सकते हैं जी। तो ये सारी तरकीब लेकर पुनः उपस्थित होऊंगा, आप बने रहें और दूर देश से हमें आशीर्वाद देते रहें। आप सभी का बहुत धन्यवाद, पुनः मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच। तो गाइज़, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइज़, इनका ऑनलाइन क्लास काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं व्हाट्सएप पे, कि कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इनको व्हाट्सएप करके वो चीज़ें पूछ सकते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इनको पिंग ज़रूर कर दीजिएगा, आपको फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, तो आप इनको कॉल भी कर सकते हैं। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।